बच्चों पिछली तीन कक्षाओं में मैंने आपको पार्ट एक जो था वह वर्णमाला, पार्ट दो या वर्ण ध्वनि, पार्ट दो जो था वर्ण की ध्वनि, तो स्वर से बने हुए तीन तीन शब्द लिखवाए और व्यंजन से बने हुए तीन तीन शब्द लिखवाए। कहाँ तक? म तक, म मगर, म मछली, म मधु, वहां तक आपने तीन तीन शब्द लिखे हैं। तो आज हम पहले पाठ का अध्ययन करेंगे, इसके बाद हम बाकी शब्दों को लिखाएंगे। तो चलिए पहले पाठ का अध्ययन करते हैं। आज हम अध्ययन करेंगे पाठ दो वर्ण ध्वनि। वर्ण की ध्वनि इस पाठ में आज हम अध्ययन करेंगे जो वर्ण है वह है य। कौन सा है बच्चों? वह य अर्थात अंग्रेजी में इसको बोलते हैं हम वाय। तो चलिए य से बने हुए हम शब्द पहले देखेंगे। य से याक, याक अर्थात जो एक प्राणी है, वाय डबल ए के या, इसका उच्चारण यहां पर अंग्रेजी में दिया गया है। अंग्रेजी उच्चारण, अंग्रेजी इसका अर्थ लिखेंगे, केवल उच्चारण की आवश्यकता नहीं है बच्चों। तो यह है या। तो इसके बाद आता है यंत्र। कौन सा है बच्चों? यंत्र, यंत्र अर्थात मशीन, यंत्र अर्थात मशीन। इसके बाद आता है यज्ञ, यज्ञ अर्थात यज्ञ। तो देखिए बच्चों, आपको लेखन अभ्यास यानी राइटिंग प्रैक्टिस यह किस प्रकार लिखा जाता है यहां पर बताया गया है। यह को हम लिखते हैं तो यह बना बच्चों यह। इसके बाद आता है बच्चों र, र। तो देखिए बच्चों, पहले हम देखेंगे य को वाई य कहते हैं। तो यह है य से बना हुआ य, इस प्रकार हम लिखते हैं, यहां पर लिखा गया है इस प्रकार हम य को लिखते हैं। तो देखिए य से शब्द याक, यंत्र, यज्ञ। याक अर्थात एक प्राणी, याक यंत्र अर्थात मशीन जो सिलाई करते हैं। तो इसके बाद आता है यज्ञ, यज्ञ करना अर्थात एक जो पूजा का कार्यक्रम है जिसको यज्ञ कहते हैं। तो यह है य को हम इस प्रकार चार अक्षर में लिखते हैं। तो इसके बाद आता है र, र से रवि, रवि अर्थात सूर्य, दिनकर,
तो इसको बोलते हैं रवि, अब होता सूर्य, इसलिए सूर्य सन। रस्सी आरोपी रूप, तो रस्सी अर्थात रूप, तो र यहां पर देखा। रबड़, रबड़ अर्थात इरेजर, रबर जो इरेजर होता है आप पेंसिल से लिखने पर अगर गलती हो जाए तो आप इरेजर से उसको साफ करते हैं यानी बुझा देते हैं। तो चलिए, तो यह था र। तो र किस प्रकार लिखा जाता है बच्चों वह भी हम जानेंगे। तो देखिए र को हम इस प्रकार लिखते हैं, तो यह बना बच्चों र, यह बना र। तो इसके बाद आता है र के बाद य, र, ल, क्या आता है बच्चों ल, ल होते हैं ये ल। तो चलिए ल से कौन कौन से शब्द हैं, ल से शब्द हैं, ल से लकड़ी, ल से लकड़ी, ल से लकड़ी अर्थात वुड, तो ल से लट्टू, ल से लट्टू, लट्टू अर्थात टॉप, ल से लट्टू अर्थात टॉप, ल से लड़की, ल से लड़की अर्थात गर्ल, जी आर आर एल गर्ल। तो चलिए लकड़ी, ल से लकड़ी, वुड, ल से लट्टू, ल से लड़की, लकड़ी अर्थात वुड, लड़की अर्थात गर्ल। तो ल किस प्रकार लिखते हैं बच्चों, चलिए उसको भी हम जान लेंगे। तो ल को हम लिखते हैं, ल लिखना बहुत आसान है, तो पहले इसी तरह बाद में इसको इस तरह, बाद में तीसरे स्टेप में हम इसको मिलाएंगे इस तरह, और चौथे स्टेप में यह बन गया ल। तो इस प्रकार ल को हम लिखते हैं। तो इसके बाद आता है बच्चों व, कौन सा आता है शब्द व, व को बोलते हैं हम अंग्रेजी में इसको बी ए व, य ग ल व, य ग ल व बच्चों व बी ए व। तो चलिए व से वन, व से वन, वन अर्थात फॉरेस्ट, वन अर्थात फॉरेस्ट, वर्षा, क्या बना बच्चों वर्षा, वर्षा अर्थात रेन, व से वाटर, वाटर अर्थात बैनियन ट्री, वाटर अर्थात बैनियन ट्री, बैनियन ट्री। तो देखिए बच्चों व अर्थात ये व, व से वन, वन अर्थात फॉरेस्ट, वर्षा अर्थात रेन, वट अर्थात बैनियन ट्री, व वट, व वर्षा, व वन, य याक, य यंत्र, य यज्ञ, र रवि, र रस्सी, र रबड़। इसके बाद ल लकड़ी, ल लट्टू, ल लड़की, व वट, व वर्षा, व वन। इस प्रकार हमने तीन तीन शब्द जाने। तो व किस प्रकार लिखते हैं, व को लिखना बहुत आसान है बच्चों, तो केवल आप यहाँ पर मैं लिखकर समझाता हूँ आपको, इस प्रकार से गोल बनाना है, इसके बाद इस प्रकार, तो यह बन गया व बच्चों, तो यह है व। तो आगे चलिए य ल ल व बच्चों, इसके बाद आता है य र ल व के बाद श श स ह। तो यहाँ तक होने पर इसके बाद आते हैं बच्चों संयुक्त व्यंजन, तो श श स ह यानी चार व्यंजन बाकी है। तो चलिए आप ध्यान से इसको एक बार पढ़िए,
तो चलिए बच्चों आगे की ओर चलते हैं। आगे जो शब्द है बच्चों य द ल व तक वा, अब चलेंगे हम श की ओर। तो यह है शब्द या व्यंजन श, तो इसको कहते हैं अंग्रेजी में यस एच ए श। तो इनसे बने हुए शब्द हैं बच्चों वह है श शरबत, श शरबत, शरबत अर्थात अ स्वीट ड्रिंक, अ स्वीट है अ स्वीट ड्रिंक। तो इसके बाद आता है शलगम, शलगम अर्थात तरनी। इसके बाद आता है शलभ, शलभ ब शलभ, शलभ शलभ अर्थात ग्रैसहॉपर। तो देखो बच्चों यह है शर, यस एच ए शर, शर से शरबत, शर से शलगम, शर से शलभ। तो शरबत अर्थात स्वीट ड्रिंक, शलगम अर्थात टर्निप, शलभ अर्थात ग्रासहॉपर, ग्रासहॉपर। तो इसको लिखने का तरीका जो है बच्चों शब्द किस प्रकार लिखा जाता है, तो शब्द इस प्रकार लिखा जाता है बच्चों पहले इस प्रकार, बाद में इस प्रकार, बाद में इस प्रकार, और उसके बाद में यह बना तो शब्द। इसके बाद आता है श के बाद जो व्यंजन आता है वह है श, तो वह है एस डबल एच ए, एस एच एच ए, तो यह है श। तो इनसे बने हुए शब्द हैं बच्चों, तो वह है षटकोण, तो यह है हेक्सागन, 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 हेक्सागन। तो देखिए यह था श यानी एस एच ए, यह श एस एच एच ए यानी एस डबल एच ए, तो षट अर्थात श से शब्द है षट अर्थात सिक्स, षट पद अर्थात पद अर्थात पैर पांव, षट अर्थात सिक्स जिसके सिक्स पैर यानी छह पैर होते हैं, छह पांव होते हैं, सिक्स लेग्स होते हैं, ऐसे कीट को हम कहते हैं षटपद। तो एक ही नहीं बहुत सारे आते हैं जो छह के जिसके पैर छह होते हैं, तो षटपद अर्थात बच्चों हैविंग सिक्स लेग इंसेक्ट। हियर यू शुड सी हियर कॉकरोच, हियर कॉकरोच इज देयर नो सी दिस वन, cockroach have six legs, cockroach have six legs। so इसके बाद आता है षटकोण, तो यह कहलाता है षटकोण, hexagon, यह है षटकोण। तो श श शब्द से हमने श अक्षर से हमने तीन शब्द लिखे, तो श किस प्रकार लिखा जाता है बच्चों, श को हम लिखते हैं इस प्रकार, तो यह लिखा हमने
श, तो इसके बाद आता है स बच्चों, स स और क, तो पहले लिखते हैं स, स यानी एस ए स, स से शब्द है, स से सब्जी, स से सब्जी, सब्जी अर्थात वेजिटेबल्स, सब्जी अर्थात वेजिटेबल्स, स से सड़क, स से सड़क अर्थात रोड, स से सपेरा, सपेरा, सपेरा अर्थात स्नेक चालक, तो स्नेक चालक, तो देखिए बच्चों यह है स अर्थात एस ए स, स से सब्जी वेजिटेबल, स से सड़क, स से सपेरा, सब्जी अर्थात वेजिटेबल, सड़क अर्थात रोड, सपेरा अर्थात स्नेक चालक, जो सांप को नचाता है, जो सांप को पकड़ता है, सांप पकड़ता नहीं, सांप को अपनी पूंछ से या बजा कर क्या है बच्चों, सांप को खिलाता है या उसको, हाँ तो उसको एक्टिव करता है, तो इसको कहते हैं सपेरा, स्नेक चालक, तो यह है स। तो स किस प्रकार लिखते हैं बच्चों, हम स लिखते हैं इस प्रकार, तो यह है स। अंत में आता है बच्चों ह, श, श, स, ह, ह अर्थात है एच ए ह। तो चलिए ह को एक बार लिखेंगे हम, ह से जो शब्द है वह है ह हल, हल अर्थात लग, हथेली, हथेली, हथेली अर्थात पाम, इसके बाद आता है हड्डी, क्या आता है बच्चों, हड्डी, हड्डी अर्थात बोन, तो देखिए बच्चों ह से हल, लग, हथेली अर्थात यह जो होती है बच्चों इसको कहते हैं हथेली, पाम हड्डी अर्थात बोन, तो यह था ह। तो ह को हम इस प्रकार लिखते हैं, पहले ऐसे, इसके बाद हम इसको इस तरह से लिखेंगे, इसके बाद यह हुआ, यह हुआ ह। तो आज हमने देखा बच्चों य, र, ल, व, श, श, स, ह, तो यहां तक ह तक व्यंजन अक्षर से बने हुए शब्द समाप्त हुए। अगली कक्षा में देखेंगे संयुक्त व्यंजन, क्ष, त्र, ज्ञ, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, तो उसके बाद अतिरिक्त व्यंजन का भी हम अभ्यास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना काफी होगा बच्चों, अगले कक्षा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।